लोक आस्था का महापर्व छठ आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई। आपको बता दें कि लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाय से हुई और खरना निर्जल उपवास के साथ 20 को उगते सूर्य को अग्र देकर पर्व का समापन होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भैया दूज के तीसरे दिन छठ पर्व मनाया जाता है, जिससे बाजारों में काफी रौनकता दिख रही है। इसके साथ ही कटनी में छपर वाहर नदी तट पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन पूर्वांचल समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तर भारत के निवासियों के अलावा स्थानीय जन शामिल होते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव एक स्थान है, इसमें से प्रारंभ हुआ और आज भारतवर्ष में लगभग हर जगह मनाया जाता है। और यह पर्व जो है 3 दिन का है लगभग, जिसमें से लगभग 72 घंटे 48 घंटे निर्जला रहती है। और ये कि मात्र एक ऐसा त्यौहार जिसमें जिसकी पूजा की जाती है साक्षात दिखता है सूर्य को। और इसमें पूरी जो इनका प्रसाद है या कुछ पूरा एक प्राकृतिक है, जैसे गन्ना है, हल्दी, जो भी उस वक्त प्रकृति देती है इस मौसम में, वो प्रसाद की नगर निगम द्वारा छठ, क्योंकि पूर्वांचल समाज यहाँ पे बहुत ज्यादा है और सभी की आस्था छठ पर्व को लेके है, नगर निगम द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, सफाई घाट की कराई गई है, लाइट की पर्याप्त मात्रा में लाइटें लगाई गई हैं, सफाई कराई गई है और हम सब का भी आस्था इस छठ पर्व में है। छठ मैया की जय हो, सबको शुभकामनाएं छठ पर्व। कटनी में किन किन घाटों पे ज्यादा छठ माता की पूजा होती है?